इस वक्त आप हॉकी के जिस खिलाड़ी के बारे में सुनेंगे वो है सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास 9 जून 1977 को कराची में पैदा होने वाले पाकिस्तानी हॉकी टीम के मायानाज खिलाड़ी हैं। सुहेल अब्बास का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर में किया जाता है। सुहेल अब्बास इंफरादी तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा गोल बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 2012 और 13 के उनके इंफरादी गोल की कुल तादाद 345 है। सुहेल अब्बास 1995 में पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल हुए। सुहेल एक एक खेलों से वाबस्ता घराने में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद इफ्तिखार हुसैन एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आपके छोटे भाई जो कि मालूमात और टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, वो भी एक पेशावर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। बकौल सुहेल अब्बास, उन्होंने अपने चचा सफदर अब्बास को देखकर हॉकी खेलना शुरू की थी। सुहेल के चचा सफदर अब्बास बैन-उल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। सफदर अब्बास 1974 के आलमी कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे और वो 1974 के आलमी कप में सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल किया था। सुहेल अब्बास पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल होने से पहले पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल चुके हैं। उनका एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो पूरी दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं।